प्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण में पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 में अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग विषयों में उनका प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि शिकारी ने तीर से शिकार किया, तो यहाँ पर है तीर से शिकार किया, तीर का अर्थ यहाँ पर बांध होता है। दूसरा उसका एग्जाम्पल है नदी के उस तीर, फिर तीर आए, दोनों जगह तीर का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन वाक्य के अनुसार इसका अर्थ नदी का किनारा होता है और अर्थ बदल गया। यहाँ पर तीर का तीर का अर्थ बांध हुआ और यहाँ तीर का अर्थ नदी का किनारा हुआ। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मैंने खड़ा सीधा कर लिया। दूसरा है भारत ने हॉकी में पाकिस्तान को खड़ा दिया। ये दोनों जगह खड़ा जो है सो एक शब्द है खड़ा और खड़ा। देखिए यहाँ पर खड़ा पहला वाक्य में खड़ा जो है उसका अर्थ रंग से है और दूसरे में है हराने, किसी को खड़ा का अर्थ हराने से है। हराना एक दूसरे को पराजित करना होता है। इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ जब निकलते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं।